रेडियो खांची 90.4 FM हम सबका रेडियो। मैं प्रज्ञा गुप्ता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग रांची विमेंस कॉलेज। मैं अपने विद्यार्थियों से काव्य हेतु पर बातें करना चाहती हूँ। काव्य हेतु MA हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल है। साथियों, काव्य हेतु का सीधा साधा अर्थ ऐसे साधनों एवं तत्वों से है जिनके कारण काव्य रचना संभव होता है। कवि भी पहले एक व्यक्ति होता है और बाद में कवि। जीवन के मधुर और तीखे अनुभव कवि की प्रतिभा और कल्पना का संस्पर्श पाकर महान काव्य कृतियों में ढल जाते हैं। यही प्रतिभा और कल्पना आदि काव्य हेतु कहे जाते हैं। काव्य हेतु के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं और यह स्पष्ट है कि काव्य हेतु तीन ही हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्राचीन आचार्यों में भामह ने काव्य का हेतु केवल प्रतिभा को माना है और कहा है, गुरु उपदेशात अध्येतु शास्त्रम जड़ाधियो अप्यलम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। अर्थात गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, किंतु काव्य का सर्जक कोई प्रतिभावान व्यक्ति ही हो सकता है। दंडी के अनुसार प्रतिभा के अतिरिक्त शास्त्र ज्ञान और अभ्यास भी काव्य के हेतु हैं। यानी कवि के लिए नैसर्गिक प्रतिभा, विस्तृत निर्दोष शास्त्र का अध्ययन तथा अपाद काव्य का अभ्यास काव्य के कारक अथवा हेतु तत्व हैं। रुद्रट शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु मानते हैं। उनके अनुसार काव्य में असार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य के कारण हैं। आचार्य बामन लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्यांग मानते हैं। लोक से वामन का अभिप्राय लोक व्यवहार, विद्या से शास्त्र ज्ञान, कला, काम शास्त्र तथा दंड नीति से है। वामन जिसे विद्या कहते हैं वही अन्य आचार्यों की दृष्टि में व्युत्पत्ति है। प्रकीर्ण से उनका अभिप्राय काव्य परिचय, काव्य रचना का उद्योग, वृद्ध सेवा, प्रतिभा और चित्त की एकाग्रता से है। राजशेखर समाधि एवं अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य का प्रधान कारण मानते हैं। उनके अनुसार शक्ति ही प्रतिभा और व्युत्पत्ति को जन्म देती है। आचार्य मम्मट की दृष्टि में काव्य हेतु शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास का समन्वित रूप है। उनके शब्दों में शक्ति निपुणता लोक काव्य शास्त्रद्य वेक्षणत काव्य शिक्षयाभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। अर्थात शक्ति लोक व्यवहार, शास्त्र एवं काव्यादि के परिशीलन से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञ की शिक्षा और अभ्यास काव्य के उद्भव में हेतु हैं। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि संस्कृत के काव्य शास्त्रीय काव्य के हेतु के रूप में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को विशेष महत्व देते हैं। किसी किसी आचार्य ने समाधि को भी काव्य का हेतु माना है। अब हम काव्य हेतु प्रतिभा को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, आचार्यों ने काव्य सृजन के हेतु रूप में प्रतिभा को विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जिस व्यक्ति में प्रतिभा होती है वही सत्य काव्य की सृष्टि में समर्थ होता है और कवि कहलाने का अधिकारी होता है। भट्ट तौत के अनुसार प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित नूतन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। उन्होंने कहा है, प्रज्ञा न उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। आचार्य वामन ने इसे ही जन्मांतर से प्राप्त संस्कार कहा है, जिसके अभाव में काव्य सृजन संभव
नहीं है। रुद्रट के अनुसार प्रतिभा शक्ति विशेष है। उनके अनुसार मन की एकाग्र अवस्था में जिसे अभिधेय का अनेक रूपों में विस्फुरण होता है और जिसमें अक्लिष्ट पद सूझ पड़ते हैं उसे शक्ति कहते हैं। कुंतक के अनुसार पूर्व जन्म तथा इस जग के संस्कारों से परिपक्व एक अद्वितीय दिव्य शक्ति प्रतिभा कहलाती है। उनका कहना है प्राप्त नाद्य तन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काचित्तेव कवि शक्ति। आचार्य मम्मट के अनुसार प्रतिभा शक्ति है जो कवित्व का बीज रूप संस्कार विशेष है और जिसके बिना काव्य सृजन नहीं होता। उन्होंने कहा है शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष याम बिना काव्यम न प्रसरेत। आनंद वर्धन तथा अभिनव गुप्त भी शक्ति और प्रतिभा को समानार्थी मानते हैं। अभिनव गुप्त की दृष्टि में प्रतिभा के दो प्रकार हैं, आख्या और उपाख्या। रचनाकार की प्रतिभा आख्या होती है और समालोचक या सहृदय की प्रतिभा उपाख्या होती है। रुद्रट ने भी प्रतिभा के दो भेद माने हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा स्वाभाविक होती है और उत्पाद्या शास्त्र अध्ययन आदि से उत्पन्न की जा सकती है। राजशेखर के अनुसार भी प्रतिभा के दो प्रकार हैं, कार्यित्री और भावित्री। कवि कर्म की सहयोगिनी तथा कवि का उपकार करने वाली कार्यित्री प्रतिभा कहलाती है। भावक या समालोचक की सहायक प्रतिभा भावित्री प्रतिभा है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार प्रतिभा कवि की विशेष कल्पना शक्ति है। अब हम दूसरे काव्य हेतु व्युत्पत्ति पर विचार करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार व्युत्पत्ति का अर्थ है पांडित्य या विद्वता। रुद्रट के अनुसार छंद व्याकरण कला लोक स्थिति एवं पदार्थ ज्ञान से उत्पन्न उचित अनुचित विवेक का नाम व्युत्पत्ति है। मम्मट की दृष्टि में यह व्युत्पत्ति निपुणता है जो इस चराचर जगत के निरीक्षण तथा काव्यादि के अध्ययन से प्राप्त होती है। राजशेखर ने प्राचीन आचार्यों के आधार पर व्युत्पत्ति को बहुज्ञता कहा है। उनके अनुसार यह बहुज्ञता या व्युत्पत्ति साहित्यकार के लिए आवश्यक है क्योंकि इस ज्ञान और अध्ययन से उसके विचारों में प्रामाणिकता आती है और वह पाठक को उचित अनुचित का विवेक देने में समर्थ होता है। राजशेखर के अनुसार काव्य हेतुओं में प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों का समान महत्व है। काव्य का तीसरा हेतु है अभ्यास। प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति से संपन्न रचनाकार अभ्यास के द्वारा अपने कवि कर्म को उत्कर्ष प्रदान करता है। कहा गया है अभ्यासो ही कर्मशु कौशलम आवहति। स्पष्टतः अभ्यास काव्य का प्रमुख तत्व नहीं है परंतु आवश्यक हेतु है। निरंतर प्रयत्न करते रहना अभ्यास है। दंडी ने इसके महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा है यदि किसी में पूर्व संस्कार जन्य विलक्षण प्रतिभा नहीं भी हो किंतु काव्यादि के श्रवण अनुशीलन तथा अभ्यास की निरंतरता से उस पर सरस्वती की कृपा होती है। अतएव कीर्ति के आकांक्षियों को निरंतर अभ्यासशील रहना चाहिए क्योंकि कवित्व के क्षीण होने पर भी अभ्यासशील व्यक्ति विद्वानों की सभा में विहार करने में समर्थ हो सकते हैं। भामह वामन आनंदवर्धन तथा अभिनवगुप्त आदि सभी आचार्यों ने अभ्यास के महत्व को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकार किया है। वास्तव में अभ्यास कवि कर्म के लिए आवश्यक तत्व है। जड़ बुद्धि भी अभ्यास के द्वारा सुजान हो सकते हैं। उपयुक्त विवेचन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर सहज ही पहुँचते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र के क्षेत्र में काव्य के हेतुओं पर पर्याप्त विचार हुआ है। वे हेतु प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास हैं। इन हेतुओं में किसी ने एक को महत्व दिया है तो किसी ने
दूसरे को तथा किसी ने तीनों को महत्व दिया है, किंतु वास्तव में तीनों का समन्वित महत्व है। तीनों ही परस्पर पूरक हैं। अपने आप में कोई एक पर्याप्त नहीं है, एक के अभाव में दूसरा अपूर्ण है। प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी व्युत्पत्ति और अभ्यास का आश्रय लेना ही पड़ता है। अतः प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों हेतुओं का महत्व स्वीकार्य है। काव्य सृजन के बीज रूप में कवि प्रतिभा होती है एवं व्युत्पत्ति और अभ्यास की स्थिति मिट्टी और पानी की सी होती है, जिसके अभाव में प्रतिभा रूपी बीज लता रूपी काव्य का रूप धारण नहीं कर सकता।